हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक एंड मैं आज आपके साथ दो अलग अलग शेप के पनीर लिफाफा पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 150 ग्राम पनीर। 150 ग्राम्स ऑफ पनीर है। पनीर हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट इंग्रेडिएंट है और मैंने इसे कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लिया है। और आप हाथों से पनीर को तोड़ने की बजाय अगर आप ग्रेट करते हैं तो इवनली ग्रेट होंगे। छोटे छोटे कट किए हुए मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिए हैं, आप आपकी सारी फेवरेट सब्ज़ी इसमें डाल सकते हो। छोटे छोटे कट किए हुए अनियन एंड ग्रेट किया हुआ गाजर, मैं गाजर ले लिया है मैंने। आप देख रहे हैं कितना कलरफुल है और सारे कलर का भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी महत्व है, तो हमें सारे कलर्स की सब्ज़ियाँ एंड फल खाने चाहिए। मैंने यहाँ पे पनीर को जो ग्रेट किया था वो एक बड़े बोल में ले लिया है और उसके अंदर अब आपको जो भी पसंदीदा है आपकी सब्ज़ियाँ, आप जो चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। कैप्सिकम मैंने ग्रीन लिए हैं, आप येलो रेड जो भी चाहे ले सकते हैं। आप कॉर्न डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सब्ज़ियाँ अच्छी लगती है। तो जो भी आप सब्ज़ियाँ लें छोटी छोटी काट लें या फिर हो सके तो ग्रेट कर लें। अब मैं ग्रेटेड कैरेट्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाजर से, कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं सारी सब्ज़ियों एंड पनीर को अभी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है और जब बन जाएगा तो सुंदर भी दिखेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो सारे जो सब्ज़ियाँ एंड पनीर को हम हल्के हाथों से मिला लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, सो आप छोटा छोटा काट के हमेशा इसे डालें। और ऊपर से मैं कसूरी मेथी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। अब वापस मैं मिक्स कर रही हूँ ये सभी मिक्सचर को और अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अब ये सारे जो पाउडर सूखे मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले धनिया ज़ीरा पाउडर, तो ये 1 से 1.5 टीस्पून के करीब होगा धनिया ज़ीरा पाउडर। फिर है लाल मिर्च पाउडर और दूसरी वाली जो कश्मीरी मिर्च होती है ना, थोड़ा सा कलर देती है, वो इसके मैंने ऐड किया है। तो तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। हल्दी आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपको वाइट एंड ये सब कलर चाहिए तो हल्दी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब ये किचन किंग मसाला है, ये मैंने ऐड किया है। अब आमचूर पाउडर, क्योंकि हम नींबू ना लिक्विड होता है तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ पानी पानी हो जाए इसमें, सो मैं जब भी ऐसा कुछ हो ना तो पाउडर फॉर्म में आप आमचूर डाल दो तो भी इसका टैंगी टेस्ट आएगा। चाट मसाला ऐड कर सकते हो, एंड में नमक जब आप बनाने वाले हो तभी ऐड करना वरना पानी छूटना शुरू हो जाता है। सो मैं तुरंत ही बनाने वाली हूँ इसीलिए इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और अब सब कुछ मिक्स कर देंगे। देखिए कितने सारे अलग अलग इसके अंदर कलर है, येलो है, ऑरेंज है, वाइट है, ग्रीन है। तो दिख तो ये सुंदर आ ही है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और जिनके भी पराठे फट जाते हैं और जिनको भी बेलने में प्रॉब्लम होती है उन सभी को आज ये जो स्टाइल है वो बहुत काम आने वाली है। मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया है, रोटी और जो भाखरी होती है गुजराती में दोनों के बीच का थोड़ा सा, ना एकदम हार्ड ना एकदम सॉफ्ट, मीडियम है आटा। और आप देख रहे हैं हम गुजराती इसमें हमारे बेलन बहुत पतले होते हैं क्योंकि हमारी रोटियां भी बहुत पतली होती है, जैसे पेपर होता है ना उतनी ही पतली हमारी रोटियां होती है, हम वो मोटी मोटी रोटी नहीं खाते हैं। सो आप चाहे अपने हिसाब से बेल सकते हैं, हम तो ऐसी ही पतली पतली रोटियां खाते हैं। सो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर बेला है, आप अपने हिसाब से उसकी थिकनेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर अभी हमारा जो स्टफिंग है वो मैंने 1 चम्मच ले लिया है, थोड़ा ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप देख रहे हो उस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, पहले आधा एक साइड से, फिर जो दूसरा साइड है उसको उसके ऊपर रख देंगे और अब जो बचा हुआ है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये बन गया आपका लिफाफा यानी कि एनवेलप। बहुत ही आसान है, आप सीधा भी इसे इसी तरीके से सेक सकते हो। मैं थोड़ा सा आटा लगा के इसे पतला कर रही हूँ, स्लाइट पतला कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ क्योंकि पराठे थोड़े थिक ही अच्छे लगते हैं। वैसे बहुत ही हल्के हाथों से आप बेलना, वैसे देखो आप कहीं से भी फटा नहीं है,
वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल में पराठा हम स्टफ़ करके बेल ले जाते हैं तो वो फट जाते हैं, पर ये आपके फटेंगे नहीं। और मैंने अभी तवे पे रख दिया है, मैं नॉनस्टिक जनरली यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं दूसरा यहाँ पे इस तरीके की पतली रोटी बेल रही हूँ, आप अपने हिसाब से बेल लीजिएगा जो जनरली आप पराठे के वक्त बेलते हैं। सो नॉर्मल साइज़ की एक रोटी मैंने बेली है और मैं इसी तरह से दूसरा लिफाफा पराठा है वो बनाने जा रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको एक और शेप भी दिखाऊँगी। तो आप स्टफिंग इसमें डाल दीजिए और बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर दीजिए। तब तक ये देखिए हमारा जो पराठा हमने तवे पे रखा था उसे मैं अलट पलट करके सेक रही हूँ। अब इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वाली नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है खास इसमें, सिंपल ही है। और फोल्ड कर दीजिए इसे आप और थोड़ा सा आटा लेके इसे बेल दीजिए बहुत ही हल्के हाथों से। और इसे भी हम सेक लेंगे। अब देख रहे हैं बहुत ही हल्के हाथों से मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। गेहूं का आटा है तो सारी चीज़ें हेल्दी है। और देखिए हमारा पहला जो पराठा है उसे सिकना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, आप चाहो तो बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, सफ़ेद मक्खन ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कम्प्लीटली। और गैस मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही रखा है, मैं हो सके उतना नॉनस्टिक पैन अवॉइड करती हूँ, आप भी अवॉइड कीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं ये लोहे का तवा हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पनीर एंड वेजिटेबल्स इतने सही लगते हैं ना ये पराठे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये पराठे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, टिफ़िन में, लंच बॉक्स में कैसे भी खा सकती है। मैंने एक और रोटी बेल ली है और मैं यहाँ पे स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। एंड अब आपको मैं वो जो त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल शेप जो मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाया था वीडियो की शुरुआत में वो दिखा रही हूँ। तो एक तरफ से आप इसे फोल्ड कर लीजिए और फिर दूसरी जो साइड है इसे थोड़ा सा त्रिकोण के शेप में फोल्ड कर दीजिए और जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी फोल्ड कर दीजिए। अब साइड में जो रहेगा उसको आप पीछे से थोड़ा सा इसको दबा सकते हैं हल्के हाथों से। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल पराठा। एंड हमें ना अभी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, कम मेहनत में जल्दी जल्दी चीज़ें बन जाए वैसा हम चाहते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही फास्ट है, ईजी है, बर्तन भी खैर बहुत ही कम निकलते हैं तो कम वॉश करने पड़ते हैं। सो इस तरीके से दोनों साइड से आप इसे सेक लीजिए जो हम जनरली हमारे पराठे सेक रहे हैं। देखिए कलर ऊपर से कितना गोल्डन ब्राउन है, क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। कम मेहनत में कम टाइम में बन जाता है ये पराठा और घर में सब खाते जा रहे हैं, मैं वन बाय वन पराठे बनाते जा रही हूँ। तो दूसरा पराठा भी मैंने जो ट्रायंगल शेप का था उसको मैंने इस तरीके से सेक लिया है। सो ये भी बन गया। तो आप इनफैक्ट एक साथ दो तीन पराठे सेक सकते हैं तवे पे। और ये हमारे लिफाफा पनीर पराठे हो गए हैं रेडी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है मुझे बताते रहिएगा। बाय।